मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में उन्हें फिर से सुप्रीम कोर्ट से निराशी मिली है। दरअसल तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप का मामला एक बार फिर से आगे बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो, लेकिन मनीष कश्यप को कोई राहत तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगाया गया है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए और समय मांगा है। जी हां दोस्तों, और भी ज्यादा कोर्ट को जवाब देने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी, लेकिन गौरतलब है कि मनीष कश्यप के वकील AP सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत NSA हटाने और सभी केस को एक जगह क्लब करने की मांग रखी थी। वहीं पिछली सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूछा गया था कि मनीष पर NSA क्यों लगाया गया है। दरअसल मनीष कश्यप के वकील AP सिंह की तरफ से एक याचिका मनीष कश्यप के पक्ष में पिछले 5 अप्रैल को दाखिल की गई थी, जिसमें इसी याचिका के माध्यम से मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज सारे केस को एक जगह किए जाने की मांग की गई है। इस याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में अभी फिलहाल जवाब देने के लिए समय मांगा है। ऐसे में NSA को लेकर मनीष कश्यप को फिलहाल राहत नहीं मिली है। वैसे तो बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप पर 3 केस दर्ज किए थे। इसमें 3 केस तमिलनाडु प्रकरण में फर्जी वीडियो को वायरल करने से जुड़ा था, जबकि इसी मामले में तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 केस दर्ज कर रखे हैं। इसमें 6 केस में मनीष कश्यप नामजद अभियुक्त है, यानी कि मनीष कश्यप के बिहार ट्रांसफर होने में अभी समय लगेगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले में 8 मई का समय निर्धारित किया है, उसको देखते हुए मनीष कश्यप को फिलहाल 8 मई का इंतजार रहेगा। उसी दिन तमिलनाडु सरकार ने अगर अपनी तरफ से कोर्ट में जवाब दे दिया तो फिर इस मामले में आगे की सुनवाई हो सकती है, लेकिन अब देखना यह है कि 8 मई को तमिलनाडु सरकार और मनीष कश्यप प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में क्या देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक थी और अब दी से मुझे इजाजत, तब तक लिए बने रहे हमारे चैनल रबजी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।